Today we will do exercise 17.1 class 10 question number 6 तक हम कर चुके थे already. Now question number 7. अब question number 7 एक अच्छा tricky question है. क्या है? The average weight of 25 student of section A is section A of class 51. 25 स्टूडेंट का एवरेज वेट, एवरेज मींस मीन दिया गया है कितना 51. अच्छा तो x1, x2, x25 डिवाइडेड बाय 25 कितना है इसका एवरेज वेट इस 51. डन. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 25 बच्चों का कंबाइंड वेट क्या होगा तो x1 x2, x25, 51 मल्टीप्लाई बाय 25, सिंपल. देन और सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, वेयर इज एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी. एक क्लास के दो सेक्शन है ए एंड बी. ए में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों के वेट का एवरेज वेट कितना है 51. तो सेकंड क्लास के, अच्छा यहां पे y1 लेते हैं, y 35 अपॉन 35 एवरेज वेट कितना गिवन है 60. देन इज 54, ये 54 है, 54. देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट. टोटल बच्चों का एवरेज वेट पूछ लिया. तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. अच्छा एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट पूछा गया है तो क्या होगा, टोटल 60 स्टूडेंट्स के वेट का सम है ना, टोटल 60 स्टूडेंट्स के वेट का सम अपॉन 60. अब दो क्लास है, एक में 25 एक में 35, तो 25 बच्चों का वेट कितना है 21 मल्टीप्लाई बाय 25 और 35 बच्चों का 54 मल्टीप्लाई बाय 35. अब देखो कैलकुलेशन हम थोड़ी ठीक ही करते हैं कि हम लोग कॉमन लेते हैं तो इजी रहेगा. कैसे के ऊपर 5 कॉमन आ रहा है, 51 का 51, 5 5 से 25, प्लस का प्लस, 54 का 54. अब 7 कॉमन लिया, 5 7 का, सॉरी 5 कॉमन लिया, 7 का डिवाइड किया 60. ये वन टाइम, ये 12 टाइम. अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है. 51 3 से डिविजिबल है, 54 3 से डिविजिबल है और यहां पे मल्टीप्लाई है. तो इससे अच्छा यहां से कैलकुलेशन, या यहां से कैलकुलेशन अब आपको सेल्फ करनी है. देन नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज The average of 5 terms is 18. कोई 5 terms है, उनका average है 18. तो 5 terms कौन सी हो सकती है? A, B, C, D and E. इनका average कितना है? 18. Then, and if one number is removed, then average becomes 16. एक number कोई भी हटा दो, तो मैं हटाता हूँ यहाँ पर D. तो जो एवरेज है वो बन गया 60, ठीक है. टोटल 5 टर्म्स या 5 नंबर थे, उनका एवरेज है 18. डन. उसमें से एक नंबर निकाल दिया तो एवरेज बन गया 16. फाइंड द नंबर रिमूव्ड, जो नंबर रिमूव किया गया है वो क्या है आपको ये पता लगाना है. तो इधर देखो, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 64 आएगा. मीन्स इसकी जगह पे आप 64 लिख सकते हो. तो यहां देखो, ये हो गया 64 प्लस e अपॉन 5 इक्वल टू 18. देन 64 प्लस e इक्वल टू 90. 64 आ गया, 90 माइनस 64 तो कितना आ गया, 90 माइनस 64 माइनस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा. अब नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है. द
एवरेज ऑफ 13 नंबर 24। अब देखो बच्चों, 13 नंबर है उनका एवरेज कितना है 24 है, ठीक है। तो अब देखो कैसे, x1 x2 एंड सो ऑन x13, 13 नंबर का एवरेज है 24, ओके। अब अगर 3 सब में ऐड कर दिया जाए, 3 सब में ऐड कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, अगर आप 3 ऐड करोगे तो जो मीन होगा उसमें भी 3 बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। 27, जब भी आप किसी 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर का एवरेज निकालो और वो बोल दे कि सब में से 2-2 घटा दिए, अब नया मीन क्या बनेगा? तो जो मीन पहले था उसमें से 2 घटा दो, ठीक है, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन सा था, 9, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ए स्कूल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज आर 3000, 5 लोगों की सैलरी दी गई है 3000, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 एम्प्लॉय एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग 3200, 5 में से एक निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, सेम वाज क्वेश्चन नंबर 10, 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। 5 नंबर का मीन दे रखा है और एक नंबर निकल गया है, तो अब नए का क्या होगा वो आप देख लेना, ठीक है। 17.2, अब देखो 17 पॉइंट में भी मीन निकालना है, यहां पे मीन का फॉर्मूला आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ आई का मीन्स यहां पर फ्रीक्वेंसी है। देन अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, सारे क्वेश्चन सेम है। इन 6 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन समझाया जाएगा, अच्छे से समझना, बाकी सारे आपको अपने आप आ जाएंगे। जैसे मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं, ठीक है। एक्स एंड एफ या क्या है, 0.1, 0.2, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, और यहां पे 0.9 है, वो मिसप्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। 9, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 15, 10, डन, ओके। अब देखो क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये गिवन है, एग्जाम में आया है, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द सिंपल मीन, मीन पूछ लिया गया है। तो देखो अब आप इस टेबल को ऐसे बनाओ, टेबल को ऐसे बनाने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, हम इस टेबल से भी कर सकते हैं बट इससे सीखो, ये एक्स, ये एफ, एक्स कितना है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 एंड 0.9, ये कितना है 7, 8, 10, 15, 10, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको एक्स आई, इसको एफ आई बोलते हैं, और ये हो जाएगा, अब देखो एफ आई एक्स आई है, मींस एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई 1.1 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा 0.7, 3.3 का मल्टीप्लाई 8 से 2.4, 0.5 का मल्टीप्लाई 10 से 5, 7 का मल्टीप्लाई 15 से 10.5, 9 का मल्टीप्लाई 10 से तो 9.0। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब में ऐसा ही होगा। अब देखो क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मींस जो एफ आई एक्स आई वाली टेबल है इन सब का सम, इन सब का जो एडिशन होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ऐड करो 2 + 5 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 5 = 16, 16 के बाद पॉइंट 1 गया कैरी, 1, 1 और 2, 3, 3 और 5, 8, 8 and 10, 18, 18 and 9, 27, 27.6। अब क्या है
एक्स आई सॉरी अपर में क्या एफ आई मीन्स इन सब का सम, तो सिग्मा एफ आई क्या आएगा देखो 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50, तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा 27 पॉइंट एक्स अपॉन 50, इजी था ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको सेल्फ करने हैं और 5B और 6B। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा अब टेबल पहले से ही मैं चेंज करके बनाऊंगा। इन क्वेश्चन नंबर 7 इफ मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, बच्चों मीन गिवन है पहले से 7.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहां लेते हैं एक्स, यहां लेते हैं एफ और यहां लेते हैं एफ एक्स। x की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13 then 6, 8, 15 p 8 4 fx means अच्छा बच्चों अगर हम यहाँ पे i नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे i क्यों नहीं लगाया या क्वेश्चन के अंदर i क्यों लगाया गया है। i means initial value start हो रही है कि x1, x2, x3, x4, x5, x6 f1, f2, f3, f4, f5, f6 ठीक है f1, fi, xi तो मल्टीप्लाई किया 18, 40, 105, 9p 88 और 50 देन। अब आपको क्या करना है कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो मीन तो गिवन है 7.5 ठीक है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है इन सब का एल 18 प्लस 40 58, 58 प्लस 105 163, 163 प्लस 88 163 plus 88 plus 52 तो ये आएगा 2 plus 3 5 and 8 13 ठीक है 7 plus 8 15 plus 5 20 303 ठीक है। अब देखो 303 plus 9p ये 9p यहाँ पे पीछे ऐड होगा ठीक है। अब इन सब का एडिशन 6 plus 8 14, 14 plus 15 29, 29 plus 8 37 37 plus 4 41 plus p। अब यहां से cos मल्टीप्लाई कर लो 41 plus p and 303 plus 9p इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो चलो अब यहां से कैलकुलेशन कैसे होगी देखो 7.5 का 41 से मल्टीप्लाई करना, 7.5 का p से मल्टीप्लाई करना, वेरिएबल को एक तरफ नॉन वेरिएबल को एक तरफ और b की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। b की वैल्यू अप्रोक्स 3 आएगी यहाँ पे शायद ठीक है, तो यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास।